सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। बाजरा, जौ, रागी, ज्वार जैसे मोटे अनाजों के फायदे किसी से छुपे नहीं हैं। एक तरफ मोटे अनाजों में भरपूर पोषक तत्व होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोटे अनाज का उत्पादन भी आसान है। कुल मिलाकर मोटे अनाज उच्च पोषण विशेषताओं और स्वास्थ्य लाभ वाले खाद्यान्न हैं, जिनकी खेती कम से कम पानी में की जा सकती है और इनमें कीटों और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। इनके इन गुणों को देखते हुए केंद्र सरकार मोटे अनाजों को देश का सुपर फूड मान रही है। ऐसे में मोटे अनाज के उत्पादन का रकबा बढ़ाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ICAR इनकी नई वैरायटी तैयार करने में जुटा हुआ है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया था कि देश भर में बाजरे के रकबे, उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए ICAR अपने नोडल अनुसंधान संस्थान भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के माध्यम से उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल नई किस्मों के विकास पर जोर दे रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया था कि भारत सरकार की पहल के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि इससे घरेलू और वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज की मांग में बढ़ोतरी होगी, जिससे भारत से निर्यात बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि संभावित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ साथ पोषक अनाज की आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार ने अपीडा के माध्यम से न्यूट्री सीरियल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम बनाया है। मोटे अनाजों के गुणों को देखते हुए इन्हें भविष्य का खाद्यान्न कहा जा रहा है। इस बीच देश में मोटे अनाजों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार देश में वर्ष 2019-20 के दौरान 17.26 मिलियन टन मोटे अनाजों का उत्पादन हुआ था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 18.02 मिलियन टन हो गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम 14 राज्यों के 212 जिलों में लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को सहायता दी जाती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण को लागू कर रही है। इसे पहले स्कूलों में मध्याह्न भोजन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राज्य भोजन उपलब्ध कराने के लिए मोटे अनाज का उपयोग कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।